वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ग्लो सीरम। ग्लो सीरम मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिलता है, मैं बात करूं तो इतनी सी रहती है उसकी क्वांटिटी और वो कम से कम 400-500 के लगभग मिलता है, और अच्छे ब्रांड की बात करें तो वो और भी कॉस्टली हो जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं होम मेड ग्लो सीरम जो घर पर बना है बिना साइड इफेक्ट के और बिना केमिकल, क्योंकि ग्लो सीरम हमारे स्किन के अंदर जाके हमारे पोर्स के अंदर जाके उसको ट्रीट करता है, उसमें एक ब्राइटनेस लाता है, जो भी पिंपल वगैरह के दाग धब्बे रह जाते हैं वो जाके उसको क्लियर करता है, जो भी डार्क स्पॉट रह जाता है, काला गोरा ऐसा कुछ रह जाता है तो उसको जाके उसको प्रिपेयर करता है, उसमें एक ब्राइटनेस लेके आता है, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर बनाता है हमारे स्किन को, कहीं भी दाग धब्बे नहीं, अंदर से जाके उसको ट्रीट करता है, उसको ट्रीटमेंट देता है। तो इसलिए बहुत इफेक्टिव होता है ग्लो सीरम लगाना चाहिए, और हमारे स्किन में एक कसाव लेके आता है जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती और जो हमारी स्किन जो लटक जाती है तो उसको एक टाइटनेस देता है, बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए इतना कॉस्टली होता है और इतना इसके लिए सब लोग उसको डेली रूटीन में इसको जरूर शामिल करते हैं, तो हमारी स्किन में एक चमक लाना है, हमारी स्किन को फिर से ब्राइट बनाना है, अपनी वही बचपन वाली स्किन लाना है, बेबी स्किन बनाना है। तो बहुत सारा भी ज़्यादा ज्ञान हो चुका है तो आप लोग समझ चुके हैं कि ग्लो सीरम कितना इफेक्टिव होता है, तो जरूर लगाना चाहिए। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं। मैं 3 चम्मच के करीब एलोवेरा ले रही हूँ, आप 3 चम्मच एलोवेरा ले लीजिए। फिर मैं इसमें 2 विटामिन ए की कैप्सूल डालूंगी, मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं 2 डालूंगी, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप 1 ही डालिएगा। फिर मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ग्लिसरीन डालूंगी, अगेन आपकी स्किन ऑयली है तो आप आधा ही डालिएगा। फिर मैं इसमें 1 चम्मच के करीब गुलाब जल डालूंगी, गुलाब जल आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपको जैसा लिक्विड चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें 1-2 बूंद सीरम डालूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें 1-2 बूंद बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया है तो बस है। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जब तक ये एकदम वाइट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसमें थोड़ा और 1 चम्मच के करीब गुलाब जल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लिक्विड चाहिए था, तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगाने के बाद थोड़ी स्किन ड्राई लगती तो आप 1 और विटामिन ई की डाल सकते हैं कैप्सूल, अगर आपको लगता है कि बहुत ऑयली हो गया है तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब और एलोवेरा डाल सकते हैं। ये कोई इसमें केमिकल वगैरह रहता नहीं है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, तो आप इसको ऐसे लगाने के बाद अगर आपको ऐसा टेक्सचर लगता है तो आप इसको डाल सकते हैं। मैं इसको अच्छे से फिर फेट लूँगी, देखिए कितनी सुंदर सी क्रीम बन के आ गई है। तो इसको मैंने अच्छे से बना लिया है, आप इसको अब मैं बता दूँ इसको यूज कैसे करना। आप डेली जैसे कि नहा लेते हैं, नहाने के बाद आपने चेहरे को फेस वॉश कर लिया है, फेस वॉश करने के बाद आप स्किन को पहले टोन करिए, टोनिंग करिए, टोनिंग आप गुलाब जल भी आपके पास है तो अवेलेबल उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद आप अपना ये ग्लो सीरम जो मैंने बनाया है ये लगा लीजिए, इसको लगाइए और मसाज करिए, जब तक वो स्किन पूरी तरह मिल ना जाए तब तक आप उसको उसको मसाज करिए। मसाज करने से हमारा ब्लड संकुचन भी होता है, वो बढ़ने लगता है, स्किन में एक ब्राइटनेस आ जाती है, तो ये भी मसाज करने से ये भी इफेक्ट पड़ता है। मसाज जो मॉइस्चराइजर लगाइए, डे क्रीम लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, जो भी आप डेली रूटीन होता है वो लगा सकते हैं। और हाँ, ये नाइट क्रीम में भी यूज करेगा, नाइट क्रीम भी आप लगा सकते हैं इसको, अगर आप सोने जाते हैं सोने से पहले अपने चेहरे को धो लीजिए फेस वॉश, उसके बाद आप उसको टोन कर लीजिए चाहे तो, अब फिर ये लगा लीजिए ये ग्लो सीरम। लगाने के बाद आप जब सो जाएंगे तब ये आपकी त्वचा को प्रिपेयर, आपके चेहरे को ट्रीट करेगा, एक ट्रीटमेंट देगा वो, तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपका स्किन जो पहले से ऐसा लगेगा कि बहुत ग्लो कर रहा है, एक ब्राइटनेस आ गई है, तो ताजा लगेगी आपकी स्किन। तो ये आपके रात भर आपकी स्किन को ट्रीटमेंट करेगा ये, तो रात को आप एज ए नाइट क्रीम भी इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही असरदार होता है, तो आप जरूर लगाइएगा। मैं इसको बताती हूँ कैसे लगाना है, मैं बस इतनी क्वांटिटी ली हूँ और उसको मैं अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी। देखिए हाथ पे आपको जब तक लगाना है, जब तक मतलब चेहरे पे या हाथ पे कहीं भी लगा सकते हैं आप इसको, और ये पूरी तरह मिल ना जाए तब तक आपको उसको मसाज करना है, और ये आप मसाज करेंगे आप ऐसे लगेगा आपका हाथ फिसल रहा है, इतना देख सकते हैं आप, खुद ही देख सकते हैं लाइव रिजल्ट। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया, ये देखिए तो बहुत इफेक्ट है, मैं आपको लाइव डेमो दे चुकी है, अब मैं इसको अपने चेहरे पे भी लगा के दिखाऊंगी। मैं इतनी सी क्वांटिटी लेनी है और फिर इसको अपने हाथ पे या मुंह पे डायरेक्ट कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको ऐसे करके मैं इस तरफ ही लगा के दिखाऊंगी आपको। ये देख सकते हैं आप, पहले से
हो चुकी है, वो ग्लो सीरम उसको लेके आता है, उसको ब्राइट बनाता है। तो आप इसको डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। अगर आपके आप अपने चेहरे को टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी स्किन को ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हैं, दाग धब्बे कहीं ना रहे, आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये रूटीन में बहुत ही जरूरी है शामिल करना। मेरे कहने से आप इसको बना के जरूर ट्राई करिएगा। और आप बहुत ही कॉस्टली नहीं है, बहुत ही कम रेंज में ये बन गई है, और ये आप कम से कम मेरी 10 से 15 दिन तक ही चलेगी। तो आप कम से कम 10 या 15 दिन या 20 दिन का बना लीजिए, फ्रिज में आप स्टोर करके रखेंगे तो एक महीना तक बना के रख लीजिए, तो ये आराम से चलती है 15 दिन। आप इसको डे क्रीम नाइट क्रीम जो भी यूज कर सकते हैं। तो कैसा रहा मेरा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंडों में, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अगर आप ऐसे ब्राइटनेस चाहते हैं तो ये आप जरूर बना के लगाइए, मेरे कहने पर बना के लगाइए। आप खुद ही आपके कलर को आप खुद ही इम्प्रूव देखेंगे कि हम आपका टेक्सचर पहले से कितना ब्राइट हो चुका है। तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर ट्राई करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।